नजरों में प्रसाद का मौसम 2-4 साल का है।
वाकई बरसात का मौसम तो खत्म हो गया, बरसाती नदियों का पानी कम हो गया। खैर, मैं तो भूल गया था, मगर आपने इस हफ्ते में क्या किया? चाचा जी प्रणाम। चाचा जी आप यहाँ अपने ख्याली नाव पका रहे हैं? उधर लक्ष्मण जी बहुत देर से तशरीफ ला रहे हैं, हैं? रोज के मारे उनकी आंखों का रंग भी लाल है। अफसोस, अब क्या बताऊंगा, किस तरह उनके सामने जाऊंगा? संभव है कि मुझे देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ेगा। आप जरा भी फिक्र ना करिए, मैं अभी जाती हूं और उनको मोम बनाकर लाती हूं। मगर जल्दी जाओ और किसी तरह उनके क्रोध को शांत करके लाओ। अब किस तरह उन्हें समझाएंगे, चलो देखते हैं। वीर लक्ष्मण, कहिए निदान तो खुश है, आपने तस्वीर रखी, आइए विराजिए। महाराज आपकी बला से। तुम तो अपना अनंत मनाओ। इस नाराजगी की कुछ वजह तो बताइए। महाराज आप अपने दिल से ही पूछ लीजिए। जहां तक मैं ख्याल करता हूं, मेरा कोई अपराध नहीं। आपका ख्याल किसका में हो तो बताऊं। जब ख्याल ही आसमान पर चढ़ा हुआ हो तो आपसे क्या बात करनी है? आपका तो अपना मतलब निकल गया, रात पास सब कुछ मिल गया। वीर लक्ष्मण, मेरा कसूर काबिले माफी है, अगर ना हो तो मेरे लिए इतनी सजा काफी है। ना तो गर्दन ऊपर उठाई जाती है और ना ही आंख से आंख मिलाई जाती है। चाहे जो कुछ कहें, आपको पूरा अधिकार है। और सुग्रीव तो रामचंद्र जी का सच्चे दिल से वफादार है। अगर आप में यह बात ना होती तो हम कब आपके घर से मिलाते? और आपकी तरह हम भी दूर से हाथ दिखाते। आपकी इनकी बातों ने हमें धोखा दे दिया। सीता जी की तलाश तो दूर, आप तो आपकी शक्ल तक दिखाई नहीं देती। लक्ष्मण जी मुझे माफ कीजिए और मेरे साथ कुछ इंसाफ कीजिए। आप यकीन रखिए मैं आपके काम से बेफिक्र न था, और ऐसा कौन सा दिन था जबकि मेरी जुबान पर सीता जी की रिहाई का जिक्र न था।
बहुत अच्छा, आप मेरे साथ चलने की तकलीफ कीजिए और दादा रामचंद्र जी को तसल्ली दीजिए। चलिए भगवान, चलिए मां। भगवान प्रणाम, भगवान प्रणाम। भगवान, सही कारणों से आपकी सेवा में हाजिर ना हो सका, इस बात के लिए शर्मसार हूं और माफी का पक्षकार हूं। शुक्र है कि आपके दर्शन तो हो गए, ना मालूम आप यहां से जाकर किस गहरी नींद में सोते रहे। इंतजार करते करते आंखें पक गई और राह देखते देखते टांगे थक गई। महाराज, सिर्फ आपकी तरफ से इनकार था, वरना यह सेवक उसी वक्त चढ़ाई करने को तैयार था। मुझे तो खुद पर भारी था। भगवान, ऐसे तो गुप्त रूप से सीता जी की खोज जारी थी, लेकिन कुछ खास परिणाम ना मिला। अब आप ही ऐलान किया जाए और जंग की तैयारी की जाए। प्यारे मित्र, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। महाराज, बहुत से बानर सरदार सेना सहित रह रहे हैं और जो बाकी है वो अभी आ रहे हैं। इससे पहले कि यहां पे कूच किया जाए, बेहतर है कि पहले अच्छी तरह से इत्मीनान किया जाए। मेरे ख्याल में भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न दूत भेजे जाए, जो इस बात का पुख्ता पता लगाए कि सीता जी कहाँ है। भगवान, वाकई ही यह आपकी दूर अनदेखी है, क्योंकि गैर निशानी के तीर चलाना कहां की अकलमंदी है। हनुमान जी, दूसरी दिशाओं में तो और भी दूत भेज दिए जाएंगे, मगर लंका के लिए आज तुमको तैनात करते हैं और अंगद तथा जामत को सहायता के लिए तुम्हारे साथ देते हैं, क्योंकि तुम इसमें होशियार हो और लंका की हर गली से अच्छी तरह वाकिफ हो। सुग्रीव जी, आपने गोया मेरे मुख की बात छीन ली। बेशक अगर हनुमान जी खुद तकलीफ गवाला करें तो हमारी कामयाबी यकीनन है। भगवान, जिसे आप तकलीफ कह रहे हैं वो मेरे लिए राहत है, मगर इसमें एक रुकावट है कि माता जी ने मुझे आज दिन तक नहीं देखा, वह मुझे कैसे पहचानेगी और मेरी बात का क्यों ये यकीन मानेगी। इसलिए आप इतनी मेहरबानी कीजिए, मुझे अपनी कोई निशानी दीजिए जिसकी उन्हें खूब पहचान हो और मेरी ओर से इत्मीनान हो। भगवान,
अनुमान का कहना बिल्कुल ठीक है। बिना कोई निशानी के माता सीता कैसे पहचानेंगे? है पवन सुत हनुमान, आप इमदाद हमारी इतनी कर रहे हो, आप पर भरोसा करता हूं और ये अंगूठी निशानी के तौर पर देता हूं। भगवान आप मेरे हैं आशीर्वाद आपका, तो मैं लंका जड़ से हिला दूंगा और जितनी जल्दी हो सके माता जी की खोज कर वापिस आऊंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और भाई क्या हाल चाल है? भाई बहुत बढ़िया है। और ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ड्यूटी बढ़िया करना। ठीक है भाई। हाँ। और बाल बच्चे भी ठीक है? बाल बच्चे भी ठीक है भाई, ठीक है। तेरी घरवाली भी ठीक है? अरे तू पूछता है तू? यार घरवाली की याद आ रही है। अच्छा, छुट्टी भी नहीं मिलती ना? हाँ, तो कोई बात नहीं, मिल जाओ अपनी ड्यूटी पे, लग जाओ अपनी ड्यूटी पे, लग जाओ। ठीक है ठीक है। हाँ, कोई आना जाना नहीं होना चाहिए। जाते रहो। जा मतलब भाई कोई आ जाए कोई। हाँ जान से। अरे अरे कहाँ जा रहा है? अरे दिखता नहीं। अरे भाई तुझे अपनी जान जारी नहीं? भाई जिस काम के लिए आया हूं उसके सामने जान की कोई कीमत नहीं। अरे मूर्ख तू कहीं विवाह के मरीज तो नहीं? अरे तुझे तो बोलने की भी तमीज नहीं। मालूम होता है कि आपके भी मौत यहाँ छिटके लाई है। भाई मैं पहले ही कह चुका हूँ, जब से मैंने इस काम का बीड़ा उठाया है उसके सामने मृत्यु का प्रश्न बिल्कुल भुलाया है। आखिर मुझे भी तो पता चले वो कौन सा काम है। मुझे केवल माता सीता से मिलना है और यही मेरा अंतिम परिणाम है। अच्छा हाँ, तेरे नजदीक तो यह काम साधारण सा है कि तू मेरे लिए मौत का पैगाम है। आज चाहे कुछ भी हो जाए वापिस जाना मेरे लिए हराम है। अरे इतना मुंह तो कहाँ जा रहे हो जैसे बाबा जी कर रहे हो? पर यहीं पड़ा रहे। अरे अरे यहीं पड़ा इलाज है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई अरे भाई ओ भाई इतना अरे इन सिपाहियों का तो काम तमाम हो गया। अब आगे की ओर चलता हूँ, रात भी बहुत हो चुकी है, प्रातःकाल होने में शेष कुछ ही घंटे है। वाटिका का कोना कोना स्थान मारा, परंतु खेद है कि परिश्रम व्यर्थ गया। यह भी ठीक विदित नहीं कि माता जी जीवित है भी या नहीं। संभव है कि रावण ने उन्हें अपने वश में आता न देकर ऐसे ही काम तमाम कर दिया हो। अब आगे जाकर
देखना चाहिए कि कुछ नहीं पता लगे। बेहतर है कि मैं इसी जगह डेरा लगाता हूँ, क्योंकि धर्म और कर्म की जानने वाली सीता यदि जीवित होगी तो इस पानी के स्थान पर संध्या करने के लिए अवश्य आएगी और यहाँ मेरी सारी अभिलाषा पूर्ण होगी। मैं इसी जगह पर चुप जाता हूँ और माता जी का इंतजार करता हूँ। अब तो मुझको इतना भी अवसर नहीं मिलता कि किसी जगह अकेले बैठकर चार आंसू ही बहा लूं और किस प्रकार अपने मन की भड़ास को निकालूं। हे नाथ दया करो, मुझ पर भागिन पर दया करो। महाराज लंकापति लंकेश अशोक वाटिका में पधार रहे हैं। सीता, मुझे आशा है कि तूने उस नीच को सोच कर एक नतीजा निकाला होगा। ओ धर्मी, न जाने कब तेरा मुंह यहां से काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी कथा पर रहम कर। ओ जाने ईश्वर से डर और मुझ पर रहम कर। अरे तू कब तक अपनी हद निभाएगी। जब तक यह आत्मा शरीर से ना निकल जाएगी। सीता, जिनकी और तेरा ध्यान है उसके तो यहां इतने भी नहीं आ सकते। अगर यहां पर नहीं आ सकते तो स्वर्ग का मार्ग तो बंद नहीं कर सकते। सीता तू फूल है लेकिन तुझना फूल नहीं, तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की खो नहीं। सीता तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। शोक तेरे पहलू में भी बजाय भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता ताकि तू इतना विद्वान होने के बावजूद भी नीच न कहलाता। बोल बोल ओ बदनाम, जरा अपनी दबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला और आज तक कोई शब्द मुंह से नहीं निकाला। जो कुछ तुमने कहा मैंने सुना मगर अब सहन नहीं होता। आखिर सहन करने की भी कोई सीमा होती है। मैं हैरान हूं कि आज मेरा यह खंजर क्यों बेकार हो रहा है।
क्योंकि मेरी शान में ऐसे भ्रष्ट शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एक साधारण सी औरत और उसकी हमदार मेरा खंजर जिसकी ओर भी झुका है यह उसका काम ये बिना वापस नहीं म्यान में जाता है। परंतु आज यह हाथ उठाते उठाते कांप रहा है। यह अजीब तरह की सीता है जिसके ऊपर मेरा कोई जादू नहीं चल रहा। ना प्यार से मानती है ना कठोरता को जानती है। जैसा कवच मुंह से निकल रहा है वैसा ही उत्तर दे रही है। मैं भी रावण हूं रावण। एक दिन रास्ते में जरूर आएगी यहां से बचकर कहां जाएगी। सीता मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को भी सहता रहा हूं परंतु विश्वास रख कि फिर भी तेरी भलाई में उसी में है। मैं जो कुछ कह रहा हूं तेरे भले के लिए कह रहा हूं। अरे नीचे अगर कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लानत सुनकर किसी भी प्रकार जीवित न रहता। मगर ना मालूम भगवान ने तुम्हें किस मिट्टी का बनाया है। शर्म और हया को तो तूने कोसों दूर भगाया है। पापी रावण आखिर तू भी बहु बेटियों वाला है या किसी ने गिरा पड़ा ही उठाया है। जरा अपनी जबान को संभाल वो सत्यानाशी। तू अपना अंतिम अरमान भी निकाल ले। ना जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वह बोल रहा है जिसके डर से बार बार तलवार उठाने पर तेरी पापी आत्मा डोल रही है। मैं तेरा अभी काम तमाम करता हूं और तुझको सदा के लिए गुमनाम करता हूं। बक बक महाराज जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को म्यान में कीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र चलाना आप जैसे शूरवीरों के शान के खिलाफ है। विचार तो यही था कि इसकी हाँ में दुआत से ना निकाल था। तब तक मैं सलवार को मैं में ना डालता किंतु तुम्हारे कहने में
अपने इरादे बदल देता हूं। और 2 महीने का समय देता हूं, मान गई तो ठीक है कि 2 माह बाद मेरी तलवार की जान लेगी। जो कुछ इसको 2 महीने बाद करना है वह आज ही कर ले, क्योंकि मेरा तो 2 महीने पश्चात भी यही जवाब होगा। मेरे सुधारों से तो बात बहुत बिगड़ रही है, चीज का तू इसे समझाना और कुछ लालच और भय दिखाना। महाराज आप कुछ चिंता ना करें, मैं इसे समझाऊंगी और जिस प्रकार हो सकेगा इसे मोह बनाऊंगी। त्रिजटा अगर तू यह काम बनाएगी तो तुझे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अभी जाता हूं, बेटी सीता ज्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ देर आराम कर लेते हैं, मुझे भी नींद आ रही है और मैं भी सो जाती हूँ। मैं आए दिन के कष्टों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूँ, किंतु अंतिम बार आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूँ, यदि मैंने सारी उम्र में कुछ धर्म किया हो या कोई शुभ कार्य किया हो जिससे मेरी कोई सदगति हो, तो अगले जन्म में भी श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हो। हे प्राणनाथ मुझे माफ करना, वीर लक्ष्मण मैंने आपका दिल दुखाया है, मुझे माफ करना। इसी मैं इसका एक फंदा बना लेती हूँ और मरने के लिए तैयार हो जाती हूँ। अभी इस वक्त सभी राक्षसियाँ सो रही है, इससे अच्छा अवसर और फिर नहीं मिलेगा। देवी परमेश्वर का नाम ले और जरा धैर्य से काम ले। है यह आवाज इधर से आ रही है और इस पाप भूमि पर कौन ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया खा रही है।
भाई तुम कौन हो, जरा सामने आओ और मुझे अपनी शक्ल तो दिखाओ। माता जी प्रणाम। माता जी आप ही हो, क्या कर रही हो? इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसी बुरी मौत मर रही हो। माना कि इस समय आपकी जान को महासंताप है, किंतु आत्मघात करना भी तो महापाप है। भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे न कोई जान है न पहचान है। माता जी मैं रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो तुमको कभी उनके पास आते जाते नहीं देखा। देवी आपका कहना भी ठीक है, आपके सामने मैं कभी उनसे मिलने नहीं आया, किंतु आपकी खोज करते समय हमारे राजा सुग्रीव को उन्होंने अपना मित्र बनाया, उसी समय से मैं उनका सेवक हूँ। दूर दूर ओ कपट आत्मा, दूर हो जा, मैंने तुझको जान लिया है और भली प्रकार से पहचान लिया है। अरे कुछ वह वही समय था जब मैं धोखा खा गई थी और फिर धोखे में आ गई थी, किंतु अब तू लाख बहाने बना ले और हजार भेद बदल ले। अब तो मैं मिट्टी को भी सुनकर बता दूंगी कि यहाँ से पापी रावण गुजरा है। माता जी आपको भी सच्ची आशंका है, किंतु मैं आपके विश्वास के लिए मेरे पास श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है, लीजिए इसकी पहचान कीजिए और भली प्रकार से इत्मीनान कीजिए। मैं प्राण प्यारे की अंगूठी, मेरे भाग्य के साथ तू भी मुझसे ऐसी रूठी। तुझको भी मेरी दशा पर दया न आई और इतने समय बाद आज शक्ल दिखाई। मेरा मन इस समय बहुत बेताब है, क्या मैं सचमुच तुझको देख रही हूँ या यह कोई ख्वाब है? माता जी अब इन बातों को जाने दो और मेरी तरफ ध्यान दो। ओ, बेटा मुझे माफ करना, अंगूठी को देखकर मैं कहीं खो गई थी और मैंने तुमको अनजाने में बहुत भला बुरा कह दिया, मुझे माफ करना। माता जी अब अधिक समय नहीं लगेगा, या तो कुछ दिन का इंतजार कीजिए या इसी समय मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। मैं तुम्हारी मेहरबानी की शुक्रगुजार हूँ, किंतु पराए मनुष्य के साथ जाने से मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ जाऊंगी, वरना इसी जगह पर अपनी जान दे दूंगी।
मगर यह धब्बा अपने नाम के साथ नहीं लगाऊंगी। बहुत अच्छा माता जी, जाने से पहले आप अपनी कोई निशानी मुझे दीजिए ताकि मैं रामचंद्र जी को दिखा सकूं। बेटा, मेरे पास और तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरी निशानी यह चूड़ा मणि है, इसे उनको देना और उनसे कहना कि जल्दी आना। वरना मुझे जीवित ना पाओगे। बहुत अच्छा माता जी, माता जी अब मुझे आज्ञा दीजिए, मगर मुझको भूख ने बहुत सताया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस बात से कुछ फल खा लूं। बेटा, मेरी तरफ से तो तुम्हें आज्ञा है, मगर ध्यान रखना, बाग में बागवान बहुत खराब है। उनकी चिंता ना कीजिए, बस आपकी आज्ञा की जरूरत है। माता जी, अब मैं जाता। अरे तू कौन है और कहाँ जा रहा है? अरे अरे, इस बाग में तो पखेरू भी पर नहीं मार सकते, और तू मेंढक की तरह टहलते क्यों जा रहा है? अरे आखिर मुझसे बचना चाहता है तो चला जा। ये तो भगो है, इसको तोड़ तोड़ के थकावट है, और हम पूछते हैं तुम हमको दमकावट है? जाओ मेरे काम में खाओ। अरे तेरे काम नहीं है, तेरे बारे में पूछ रहा हूँ, और तू सिर पर चढ़ता जा रहा है। अच्छा भाई, चला जा, बेकार में अपनी जान लगवा। अरे हमको मौत का भय बताता है, खाने का मजा चुकाते हैं। मैं कह रहा हूं चला जा, चला जा, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।